तो गाइज फाइनली इस सीरीज के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं यार कि कैसे हम मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं एक सेफ तरीके से, ताकि हम कोई भी लीगल चीजों के अंदर ना फंसें। अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या दिक्कत आती है मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट के अंदर और क्या मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट का पोटेंशियल है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज क्रिएट की हुई है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डेफिनेटली इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोज को भी देख लेना, ताकि आप एक बार क्लियर हो जाओ कि आप मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट क्रिएट करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे हम मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और कहां से वो मूवीज सारी चीजें किस तरीके से होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो डेफिनेटली लाइक कर देना, और अगर आप भी ब्लॉगिंग से या फिर वेबसाइट क्रिएट करके पैसे कमाना चाहते हो तो मैं अपने इस चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जो चीजें मैंने करी हैं, जिनसे मैंने लाखों रुपए हर महीने कमाए हैं, वही सेम नॉलेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। तो डेफिनेटली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। अगर आपके पास वो चीजें हैं तभी आप यहां पर सक्सेसफुल भी हो पाओगे और आप इवेंचुअली काम कर पाओगे। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो फिर आपको हर लेवल के ऊपर दिक्कत आएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये रिक्वायरमेंट्स देख लो, समझ लो, फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट इज अ डोमेन नेम। आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, और डोमेन नेम के अंदर भी अगर आपके पास कुछ कीवर्ड्स हो जो आपने स्टफ करे हो डोमेन नेम के अंदर, जैसे 1, 2, 3 मूवीज, तो इन कीवर्ड से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी रैंक कर जाती है। ऐसे भी चांसेस रहते हैं कि आपकी साइट विद इन डेज रैंक कर जाए, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं ये हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं और यहां पर डीएमसीए की वजह से बार बार जो साइट्स हैं वो रिमूव होती रहती हैं। और इस चीज के बारे में डिटेल में बात करी है कि कौन कौन से हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं और किस तरीके से मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट वर्क करती है अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, तो उन्हें भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो डोमेन नेम का हो गया कि आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। एक्सटेंशन आप कोई भी रख सकते हो, .com, .in, .net, .org, कुछ भी रख लेना, बट अपने दिमाग में रखना कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट करने वाले हो। वो चीज एक बार क्लियर हो जाए तो उसके हिसाब से आप डोमेन भी ले सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट इज अ होस्टिंग। आपके पास एक होस्टिंग होनी ही चाहिए। ये फ्री होस्टिंग के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्लॉगर जैसी होस्टिंग के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कत आती है यार। मैं अपने आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ एक फुल मतलब शेयर करने वाला हूं कि ब्लॉगर आपको क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्या क्या दिक्कत आपको आ सकती है ब्लॉगर की होस्टिंग के अंदर, और इसी रीजन की वजह से यहां पर हम होस्टिंग को यूज करेंगे। और जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दैट विल बी होस्टिंगर, और उसी को यूज करके मैं सारा जो प्रोसेस है वो आपको दिखाने भी वाला हूं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है होस्टिंगर की तरफ से। मैं पर्सनली आपको इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि होस्टिंगर आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स के अंदर एक अच्छी होस्टिंग प्रोवाइड कर देता है। आपको सिर्फ 3,000 रुपए के अंदर एक साल के लिए होस्टिंग मिल जाती है। उसी के साथ साथ आपको एक डोमेन नेम फ्री में मिलता है, SSL सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है। उसी के साथ साथ यहां पर आप 100 वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो उसी सिंगल होस्टिंग को यूज करके। साथ ही यहां पर एक और बेनिफिट है, यहां पर आपको ईमेल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है इस सेम प्लान के साथ। अगर आप होस्टिंगर से अपनी बेस्ट डील को एक्टिवेट करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके आपकी बेस्ट डील एक्टिवेट हो जाएगी। डील एक्टिवेट होने के बाद चेकआउट के टाइम पे आप वेब बीस्ट कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट आपके पास होनी ही चाहिए, दैट इज अ हाई स्पीड इंटरनेट। यहां पर आप प्रेफर करो कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है, जहां पर आपको MBPS में स्पीड मिले, क्योंकि यहां पर आपको कॉन्टेंट को डाउनलोड भी करना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा। और ये चीज अगर आप अपने मोबाइल फोन के एयरटेल के नेट पे, जियो के नेट पे करने जाओगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है, एक मतलब निचोड़ निकाला है मैंने, वो आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। तो अभी के लिए आपके पास यही सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये चीज है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे यार इस वेबसाइट को क्रिएट करने में। तो एक बार आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो उसके बाद आपको सिंपली अपनी डोमेन और होस्टिंग को सेटअप कर देना। ये किस तरीके से होता है वो बहुत ही बेसिक लेवल की नॉलेज है, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आती है। और जैसे ही आपके जो डोमेन और होस्टिंग सेटअप हो जाएगी तो आपका भी कुछ वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके का दिखने वाला है। अगर मैं आपको अपनी ये जो साइट है इसे एक बार चेक करके दिखाऊं तो आप यहां पे देख पाओगे कि करंटली ये जो मेरी डोमेन नेम है ये कुछ इस तरीके की दिख रही है, और यहीं पर हम एक मूवीज डाउनलोडिंग जो वेबसाइट है वो प्रॉपर बनाने वाले हैं। वो धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, लेकिन आप इस वीडियो के अंदर बने रहे। तो सबसे पहली चीज हमें करनी है यार, यहां पर हमें एक थीम डालनी है। जो थीम मैं आपको रेकमेंड करूंगा दैट इज एस्ट्रा प्रो। ये एक प्रो थीम है, ये
एक पेड थीम है, यहां पर आपको $250 के आसपास देने पड़ते हैं इस थीम को लगाने के लिए, बट ये थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपीयरेंसेस के अंदर जाना है, यहां पर आपको थीम्स का सेक्शन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आने के बाद आपको सिंपली एड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारी थीम्स है, तो यहां पर हम सर्च कर लेंगे एस्ट्रा। जैसे आपने सर्च कर दिया उसके बाद आपके यहां पर एस्ट्रा थीम दिखेगी, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली यहां पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है और जो हमारी थीम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। मैं दोबारा से आपको जो साइट है ये दिखा देता हूं, आप यहां पे देख पाओगे हमारी जो साइट का लेआउट है ये बहुत ही प्रोफेशनल दिखेगा आने वाले टाइम में, और अभी भी अच्छा खासा प्रोफेशनल यहां पर हमें जो लेआउट है वो दिख रहा है। तो ये जो थीम हमने इंस्टॉल करी है, एक फ्री थीम अभी हमने इंस्टॉल करी है, अब हम इसे पेड वर्जन पे लेके जाएंगे बिना पैसे दिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर हम यहां पे एस्ट्रा ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये जितने भी ऑप्शंस है यहां पर आपको अवेलेबल दिख रहे हैं कि अगर आप प्रो खरीदते हो $250 के आसपास का तो आपको ये चीज मिलती है, बट ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको सिंपली वहां पर चले जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको यहां पर यार सर्च करना पड़ेगा और यहां पर आप सर्च कर सकते हो एस्ट्रा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही ये जो एस्ट्रा का एड ऑन है इसका जो लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड का लिंक, आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है उसके बाद आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड के अंदर आना है, और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको भी जाना है प्लगइन्स के सेक्शन में, क्योंकि जो एस्ट्रा का हमने थीम इंस्टॉल करी है उसे प्रो वर्जन करने के लिए एस्ट्रा का ये प्रो प्लगइन आता है, तो आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये चीज बहुत सारे लोग गलती करते थे, फिर बोलते सर आपने यार थीम नहीं दी, तो थीम आपको थीम्स के सेक्शन से डाउनलोड करनी है, और इसे प्रो बनाने के लिए आपको एस्ट्रा का प्रो एड ऑन एड कर देना है प्लगइन्स के अंदर। तो यहां पर मैं इसे एड कर देता हूं, तो उसके लिए हम सिंपली यहां पर एड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आने के बाद आपको सिंपली अपलोड प्लगइन के सेक्शन के अंदर जाना, और यहां पर अब हम जो हमने डाउनलोड किया है अपना प्रो एड ऑन उसे हम यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस जो एड ऑन है वो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हमें सिंपली इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारा ये जो प्लगइन है ये इंस्टॉल हो जाएगा और हमारी थीम है वो प्रो में कन्वर्ट हो जाएगी बिना एक भी पैसा दिए हुए। डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, जितने भी इसके अपडेट्स आते हैं मैं ट्राई करता हूं वो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, डेफिनेटली वहां से जाके आप ज्वाइन कर जाएं और इस एड ऑन को आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जो एस्ट्रा का एड ऑन हमने डाउनलोड किया था उसे हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली यहां पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हमारा ये जो प्लगइन है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो हमारा ये जो एस्ट्रा एड ऑन है ये एड हो चुका है और हमारी जो फ्री थीम है वो अब पेड के अंदर कन्वर्ट हो गई है बिना पैसे दिए। तो गाइस यहां पर हमारी जो थीम है वो अभी कन्वर्ट हो चुकी है प्रो के अंदर, आपको सिंपली यहां पे एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारा ये जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर मैं आपको ये थीम्स के सेक्शन में लेके जाऊंगा यार, तो यहां पर आप देख पाओगे एस्ट्रा ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपके जो अवेलेबल एस्ट्रा प्रो मॉड्यूल्स हैं, मतलब आपकी जो थीम है वो कन्वर्ट हो चुकी है प्रो के अंदर, तो हम एक प्रो थीम को यूज करने वाले हैं। आप यहां पे जो चीज एक्टिवेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा यार इसके, बट आपको यहां पे मैंने सारी चीजें दिखा दी हैं। ये एक जीपीएल लाइसेंस्ड है, तो यहां पर आपके पास जो अपनी अपनी लाइसेंस की होती है ये नहीं होगी, आपके पास जो प्रो वर्जंस हैं वो सारे के सारे यहां पर अवेलेबल होंगे। बट अगर आप खरीदना ही चाहते हो कि आपके पास यार पैसे हैं आप खरीद सकते हो तो डेफिनेटली आप वो चीज भी कर सकते हो, बट जो लोग नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए मैंने फ्री मेथड यहां पे बता दिया है। अब एक बार हमारी थीम सेटअप हो जाए उसके बाद हमें यार जाना है कंटेंट डालने के अंदर, जो कि हमारी मेन चीज है कि हम यहां पर अब एक मूवी का जो कंटेंट रहेगा वो डालने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहां पे सिंपली पोस्ट के सेक्शन के अंदर जाना है और यहां पर हम चले जाएंगे एड न्यू के अंदर, क्योंकि यहां पर हम एक न्यू पोस्ट को एड करने वाले हैं और ये पोस्ट कुछ नहीं होगी यार, सिंपली हम यहां पर एक मूवी को डालने वाले हैं ताकि लोग हमारी साइट के ऊपर आए, उन्हें वो मूवी वहां से मिले और वो उस मूवी को देख सकें, डाउनलोड कर सकें, वो सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। लेकिन वो लीगली या एक सेफ तरीके से किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको आज यहां पे बताने वाला हूं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट के अंदर रहती है दैट इज टाइटल। आपकी जो साइट का टाइटल रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और टाइटल के अंदर ही आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर आपने ये चीज कर ली तो फिर डेफिनेटली आपकी साइट को रैंक होने
से मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताई हैं उस चीज से ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब डीएमसीए लगता है टॉप की साइट्स रैंक से हटती हैं तो वहां पर आपकी साइट के रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब मैं इसे यहां पर ज्यादा मतलब खींचूंगा नहीं, अब हम यहां पर अपनी जो पोस्ट है उसे लिखते हैं ताकि हमारी जो पोस्ट जल्दी से जल्दी रैंक करे और हम वहां से ज्यादा ज्यादा पैसा कमा सके। तो यहां पर आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सी मूवी को डालना चाहते हो। जो मैं रेकमेंड करूंगा वो यही है कि आप लेटेस्ट मूवीज से स्टार्ट करो, क्योंकि जो पुरानी मूवीज हैं उन्हें बहुत कम लोग देखते हैं, जो लेटेस्ट मूवीज होती हैं उन्हीं के सर्चेस ज्यादा रहते हैं, उन्हीं का वॉल्यूम ज्यादा रहता है और वहां पर रैंक करना भी कंपैरेटिवली इजी रहता है एज कंपेयर टू जो ओल्ड मूवीज का निश रहता है। तो यहां पर आपने सबसे पहले डिसाइड करना आपने मूवी कौन सी डालनी है। एग्जांपल के लिए हम डॉक्टर स्ट्रेंज की जो लेटेस्ट मूवी आई थी मल्टीवर्स की, उस पे हम अगर कुछ रिसर्च करना चाहें तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और वहां पर सर्च कर लेना है डॉक्टर स्ट्रेंज, और यहां पर आपको उसकी जो लेटेस्ट मूवी का जो टाइटल है दैट इज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, आपको ये मिल जाएगा। और इसी चीज को आपको सर्च करना है कुछ तोड़ मरोड़ के, जैसे आप यहां पर सर्च कर सकते हो इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, और यहां पर आपको दिखेगा कि सजेशन के अंदर आपको दिखेगा कि लोग यहां पर सर्च कर रहे हैं फुल मूवी और यहां पर ओटीटी रिलीज डेट। ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं, हमारे काम की यही है कि फुल मूवी, इसी के साथ डाउनलोड का कोई कीवर्ड है या फिर वॉच ऑनलाइन का कीवर्ड है, तो इसी तरीके के कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं आपको सिंपली इस कीवर्ड को सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आपको यहां पर दिखेगा बहुत सारे लिंक्स हैं लोगों के जो कि इस मूवी को प्रोवाइड करें। यहीं पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर और भी बहुत सारे कीवर्ड जाएंगे लाइक टेलीग्राम, और यहां पर आपको दिख रहा है वॉच, और इसी के साथ फ्री रेडिट, और साथ ही यहां पर डेली मोशन, और फिर यहां पर ये वाला कीवर्ड कौन सा है, और ये कीवर्ड है वॉच ऑनलाइन डेली मोशन, और ये है फुल मूवी बिलबिली, कुछ ऐसा सा कुछ है। आपको ये कीवर्ड्स देख लेने और आपको इसी से एक जो टाइटल है वो क्रिएट करना है। जैसे मैं यहां पे इसी टाइटल को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये ज्यादा सर्च हो रहा है और ये गूगल के सर्चेस में भी आ रहा है, तो आपको सिंपली इस टाइटल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हमारी ये जो साइट का मतलब हमारी पोस्ट का जो टाइटल है यहां पर आने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली ये जो पहले लेटर्स होते हैं इनको आपको कैपिटलाइज कर देना, क्योंकि ये चीज दिखने में ज्यादा अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये मेरा तरीका है। मैं अपनी सारी साइट्स के अंदर टाइटल्स को इसी तरीके से रखता हूं कि जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उन्हें मैं कैपिटल कर देता हूं, और ये जो इज द होते हैं ऑफ होता है इसको मैं यहां पे कैपिटल नहीं करता हूं। जैसे ही आप ये जो टाइटल है ये लिख देते हो, इसी के साथ आपको जो और भी कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, आप वॉच ऑनलाइन भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते हो, कीवर्ड रिसर्च आपने किस तरीके से करी, क्या क्या कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। जैसे हमें रेडिट का दिख रहा था, डेली मोशन का दिख रहा था, तो वो चीजें आप यहां पर डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, बट जो एक चीज आपको डालनी ही डालनी है वो रहेगा यार कि जो डोमेन नेम हमने लिया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप 1-2-3 मूवीज अपनी डोमेन नेम में डाल लोगे तो आपकी साइट रैंक भी जल्दी करेगी और उससे आपको एसईओ के अंदर भी बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर हम साथ ही में 1-2-3 मूवीज भी डाल देंगे, और अगर आप यहां पर डालना चाहते हो तो आपकी जो डोमेन नेम है वो भी आप यहां पर डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको 1-2-3 मूवीज जरूर डालना है, क्योंकि जो भी बंदा ग्लोबली सर्च करता है किसी भी मूवी को वो उस मूवी के साथ 1-2-3 मूवी डाल देता है ताकि उसे वो मूवी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए देखने के लिए। तो आपको भी वही सेम चीज यूज करनी है, और जैसे हमने यहां पर यार ये टाइटल दिया आपको भी कुछ इसी तरीके का टाइटल दे देना। अगर आप इस तरीके से टाइटल को डालते हो तो आपकी साइट के रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी साइट विद इन डेज भी रैंक कर सकती है अगर आपने कॉन्टेंट जल्दी डाल दिया है। अब मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया, इसके बाद हमें यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है वो देनी है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सिंपली जो भी मतलब बेसिक कॉन्टेंट होता है जो अवेलेबल है इस मूवी के रिलेटेड आप वो डाल सकते हो, या फिर अगर आप अपने हिसाब से कुछ डालना चाहते हो, जो चीजें कोई स्टोरी लाइन डालना चाहते हो, कास्ट वगैरह डालना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। बट मैं यहां पर यही बोलूंगा यार जितना आप डालना चाहते हो आप डाल लो, कॉपी पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट कर दो, यहां पर हमें गूगल एडसेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम अल्टरनेटिव से ही यहां पर मोनेटाइज करेंगे क्योंकि वही यहां पर लीगल रहेगा। तो आप सिंपली यहां पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट अगर आप खुद से लिखना चाहते हो बढ़िया से लिखना चाहते हो आप वो चीज भी यहां पर लिख सकते हो। जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो यही है कि आप सिंपली गूगल के ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको विकिपीडिया की कुछ डिस्क्रिप्शन सी मिल जाएगी, आप सिंपली इसे कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के बाद आप इसे डायरेक्टली यहां पर पेस्ट भी कर सकते हो। आपको सिंपली इसकी फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना है कि ये जो लिंक्स हैं इन्हें आपको सिंपली रिमूव कर देना है, इन्हें हमने नहीं रखना है यहां पर, और ऐसे ही आपको सारे कॉन्टेंट को ऐसा सा ही कर देना है कि हमें यहां पर कुछ फालतू लिंक्स नहीं रखने। इसे आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप वो चीज आप कर सकते हो ताकि जो व्यूअर
व्यूअर है उसे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए रिलेटेड टू दिस मूवी, तो वो चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो लिंक्स हैं एक्सटर्नल लिंक्स हैं इन्हें आपको जो है रिमूव कर देना है यहां पर, तो वही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है यार, यहां पे ये जो फॉर्मेटिंग है ये इस गंदे तरीके से आप ना ही करो, एक अच्छे तरीके से आपको फॉर्मेटिंग यहां पर करनी है। अगर आप वो चीज करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, तो उसके लिए आप यहां पर अच्छे से टाइम दे सकते हो, स्पेसिंग अगर आपको कम करनी है आप कम कर सकते हो, नहीं करनी है, बट अगर आप फॉर्मेटिंग अच्छे से करोगे तो उसके रिजल्ट आपको ही मिलेंगे। यहां पर मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं इसलिए मैं यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। एक और चीज जो आपको यहां पे ऐड करनी ही करनी है, दैट इज आपकी जो मूवी है उसका पोस्टर, जो पोस्टर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को देख के लोग आपके साइट के ऊपर आते हैं, और वो अगर वहां पे पोस्टर अवेलेबल होता है तो उन्हें पता रहता है कि कौन सी ये मूवी है और यहां पर डाउनलोड करने के बाद मेरे पास कौन सी मूवी आने वाली है। तो पोस्टर भी आपको गूगल से ही मिल जाएगा, गूगल पे अगर आप इमेजेस के सेक्शन के अंदर जाओगे तो यहां पर आपको इसके बहुत सारे पोस्टर्स दिख जाएंगे, जैसे ये जो हमारा पोस्टर है ये हमें मिल गया है, आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आप यहां पर इस इमेज को भी पोस्ट कर सकते हो और वो बहुत बढ़िया दिखता है हमारी पोस्ट के अंदर। तो गाइस इमेज डालने के लिए आपको सिंपली यहां पे प्लस का जो साइन है इसके ऊपर क्लिक करना है, यहां पर आपको इमेज डालना है, और इमेज डालने के बाद आप सिंपली यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और हम जो हमारी इमेज है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस जो इमेज है वो मैंने सिलेक्ट कर ली है और इमेज हमारे यहां पर अपलोड भी हो चुकी है। इमेज आने के बाद आपको सिंपली इस इमेज को यार सेंट्रल लाइन कर देना है, तो मैं यहां पर कर देता हूं को सेंट्रल अलाइन, और जो हमारी इमेज है वो सेंट्रल अलाइन हो चुकी है, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कैप्शन डालना चाहते हो तो कैप्शन के अंदर भी जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो यही है कि जो आपका टाइटल है वही आप डाल दो और उससे हमारा जो काम है वो हो जाना चाहिए। तो यहां पे मैंने जो कैप्शन है वो भी मैं यहां पे डाल देता हूं, क्योंकि ये भी एज अ एसईओ वर्क करता है इमेजेस के अंदर, और आपको गूगल इमेजेस से भी कुछ ना कुछ विस्टर आने के चांसेस रहेंगे। तो यहां पे हमने जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट डाल दिया है, आप ज्यादा भी कर सकते हो, अपने बढ़िया से आप इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मैंने आपको जो बेसिक चीजें थी वो बता दी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट की पोस्ट के अंदर रहता है, दैट इज द डाउनलोड लिंक। आपको सिंपली यहां पर डाउनलोड लिंक्स देने हैं। अब ये जो डाउनलोड लिंक है ये आपके हिसाब से होगा यार, अगर आप इसे एज अ इमेज देना चाहते हो तो आप इमेज भी दे सकते हो, अगर आप इसको जिस तरीके से रखना चाहते हो यार वो आपके ऊपर ही डिपेंड करे, बट आपको यह ध्यान रखना है कि जो डाउनलोड लिंक है यह आपका हमेशा से वर्किंग ही रहे। अगर यह वर्किंग नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपकी साइट ज्यादा देर तक रैंक नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों को अगर आप उल्लू बनाओगे तो लोगों को तो आप एक पल को उल्लू बना सकते हो, गूगल को नहीं बना पाओगे। अगर आपका यूजर डिससेटिस्फाइड होकर जाता है आपके वहां कॉन्टेंट से तो फिर आपका जो कॉन्टेंट है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो ये जो लिंक है इसे जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसे आप सेंट्रल अलाइन ही रखो, मैक्सिमम साइट्स के अंदर आपको जो लिंक है ये सेंट्रल अलाइंड ही रहते हैं। अब यहां पर आप बोल रहे होंगे कि सर हम ये जो डाउनलोड लिंक्स हैं ये कहां से लेके आए, तो अगर आपके पास अपना जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो अवेलेबल है तो आप सिंपली अपनी जो मूवी है उसे आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपको पता होगा कि कौन सी मूवीज मतलब कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो ये है कि आप अपना एक टेलीग्राम चैनल ओपन करो, उसके ऊपर आप अपनी जो मूवी है उसे पोस्ट कर दो, और पोस्ट करने के बाद आप उसका जो लिंक होगा जो भी उसका पोस्ट का लिंक है उसे आप यहां पर शेयर कर सकते हो एज अ लिंक, और वो आपका एक डाउनलोड लिंक की तरह वर्क करेगा। और अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो आपको क्या करना है, आपको जो दूसरे टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल हैं जिनने ऑलरेडी ये मूवीज डाली हुई है आप उनका लिंक यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं आपको कम रेकमेंड करूंगा क्योंकि अगर आप अपने ही टेलीग्राम चैनल्स को प्रमोट करते हो तो ओवर द टाइम आपकी जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑडियंस है वो भी बढ़ेगी, और उस ऑडियंस को यूज करके आप टेलीग्राम चैनल से यार एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो और अमेज़न एसोसिएट को यूज करके लाखों रुपए की अर्निंग हर महीने कर सकते हो। और ये चीज होती किस तरीके से इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और मैं भी खुद इसके ऊपर एक तरीके से काम कर रहा हूं, मेरे को भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं यार मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट को क्रिएट करो, खुद ही के टेलीग्राम चैनल्स को प्रमोट करो, और जब आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑडियंस ज्यादा आ जाए उसके बाद आप उसे कन्वर्ट करके एक मतलब एक सेफर ऑप्शन एक रिलायबल ऑप्शन की तरफ जा सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट का जो निश है यहां पर आपको एक टेंपरेरी कुछ मनी है अगर आप वो कमाना चाहते हो या टेंपरेरी ट्रैफिक देखना चाहते हो उसके लिए ही है। अगर आप यहां पर लॉन्ग टर्म का विजन देखते हो कि आप 10 साल के लिए पैसा कमा पाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यह मैंने आपको स्टार्टिंग से ही
ही बता के रखा हुआ है। तो आप अपना जो पाथ है उसे सोच के रखो, पहले से ही प्लान करके रखो, ताकि आपको फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत ना आए। और जो चीजें यहां पर मैंने आपको बताई हैं ये एक्चुअल में पॉसिबल हैं इस साइट के थ्रू, बस काम आपको करना है। अब एक बार आपने डाउनलोडिंग लिंक प्रोवाइड कर दिया और आपने मूवी का ये पूरा लेआउट डाल दिया, उसके बाद हमारी जो पोस्ट है वो रेडी है और हम इसे पब्लिश डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इसे पब्लिश कर देता हूं। तो गाइस जो हमारा कंटेंट है ये पब्लिश हो चुका है। अगर मैं यहां पे व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देख पाओगे हमारी जो पोस्ट है ये आ चुकी है। और ये नॉर्मल साइट्स पे भी इसी तरीके का जो कंटेंट है वो रहता है। आप भी कुछ इसी तरीके से जो अपनी साइट है इसे कस्टमाइज कर सकते हो। और कंटेंट कैसे डालना है वो मैंने आपको बता दिया है। एक्स्ट्रा प्रो थीम को कस्टमाइज कैसे करना है और कैसे आप यहां पे बढ़िया सा लेआउट ला सकते हो, इसमें मैंने पहले बात करी हुई अपनी वीडियोस के अंदर। उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। वहां से अगर आप जाओगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा मतलब एक व्यू मिलेगा, एक प्रोफेशनल व्यू मिलेगा, और वो चीज ही शायद आपको चाहिए एक बढ़िया साइट क्रिएट करने के लिए। अब एक बार आपकी पोस्ट डल जाए तो यार उसके बाद आपको ज्यादा काम नहीं करना है, आपको और ज्यादा मूवीज का जो कंटेंट है वो डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। और जो हमारा पोस्ट वाला साइट है वो यहां पे कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ साथ एक और चीज जो रिक्वायर्ड रहेगी, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें गूगल एनालिटिक्स ऐड करना है गूगल वेबमास्टर में या गूगल सर्च कंसोल में, कैसे हम अपनी साइट को डालें, तो यार उसके लिए वर्डप्रेस के अंदर आपको एक प्लगइन मिल जाता है गूगल साइट किट के नाम से। उसके लिए आपको सिंपली प्लगइन्स के सेक्शन में जाना है और यहां पर आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आने के बाद आपको सिंपली यहां पर सर्च प्लगइन्स पर क्लिक करना है और यहां पर आप डाल सकते हो साइट किट और यहां पर आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो गाइज ये आ गया साइट किट बाय गूगल, ये प्लगइन गूगल का ही, आप सिंपली से इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहां पे लॉगिन करना है अपनी जीमेल से। लॉगिन करने के बाद आप सिंपली यहां पे एनालिटिक्स भी ऐड कर सकते हो और साथ ही आपकी जो साइट है वो गूगल वेब मास्टर या गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी इंडेक्स हो जाएगी और सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट से ही मैनेज कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है ये भी, मैंने अपनी जो वीडियो आपको बताई थी कि साइट को सेटअप कैसे करना है उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहां पर मैं उसके में बात नहीं करूंगा। इसके बाद अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करें, जो कि मेन पार्ट है कि क्या पैसे किस तरीके से कमाने हमने मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट से, यार उसके लिए यहां पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहां पर एडसेंस अल्टरनेटिव्स को ही यूज करेंगे। तो यहां पर आपको गूगल एडसेंस का अगर आपको अप्रूवल मिल भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अप्रूवल ले लेते हैं और वो बताते हैं यार मैंने मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट पर ले लिया, तो यार वो अप्रूवल ज्यादा देर तक चलता नहीं है, आपका जो एडसेंस है वो बहुत जल्दी डिसेबल हो जाता है। तो आपको उस साइड पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यार एडसेंस अल्टरनेटिव्स की साइट पे जाना है। बहुत सारे एडसेंस अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एडस्टारा, प्रोपेलर एड्स, पॉप एड्स, और इनके बारे में बहुत बार बात भी करी हुई है। आप सिंपली इनमें से किसी के ऊपर जाके भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उनका कोड लगा के आप यहां पर अपनी साइट को मोनेटाइज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है यार किसी भी एड कंपनी को लगाना अपनी साइट के ऊपर, वो भी मैं यहां पर बताऊंगा नहीं। जो चीजें हैं इनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कैसे ये काम करती है, कैसे इनकी एड्स को अपनी साइट के ऊपर लगाना है और क्या इनका पूरा रेट रहता है, क्या इन पर मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं वो बार बार यहां पर आपके साथ मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको और इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो इसी कुछ तरीके से आप एक अपनी मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहां पर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे के अंदर आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है कि मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। आप अपना दिमाग लगा के अपनी जो एनहांसमेंट्स है वो कर सकते हो, बट बेसिक लेवल के ऊपर जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज समझ ना आई हो तो यार उसके अंदर मेजर पार्ट यही रहेगा कि आपने या तो मेरी पिछली वीडियोज को नहीं देखा है या फिर आप ब्लॉगिंग के अंदर न्यू हो, इसीलिए आपको ये जो मतलब मैंने चीजें समझाई वो आपको समझ नहीं आई। तो या तो आप जाके अपने बेसिक्स को क्लियर कर लो या फिर आप पहले मेरी पुरानी वीडियोस को देख लो जो मैंने इस सीरीज के ऊपर बनाई है, तो आपका जो माइंड है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि मैं अपने आने वाली वीडियो के अंदर मूवीज डाउनलोडिंग वेबसाइट के रिलेटेड और ज्यादा कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूं, ताकि आपका जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा बने इस टॉपिक के रिलेटेड। तो डेफिनेटली उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।